तो भाई लोग लैपी वाला में आज जो है ओपनिंग होने वाला है और अभी हमारे साथ मनीष सर आए हुए हैं। हम लोग भी कहीं कहीं कुछ चीजों के लिए पैसा लेते हैं, ये बात सत्य है जी, ये बात सत्य है, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ जी। लेकिन मैंने इस काम के लिए इनको बोला था कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, लेकिन आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा। तो ये सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो इनके बारे में बताने की जिम्मेवारी हमारी है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अगर लोग सुनते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो अगर ये 15 लैपटॉप मतलब कि छोटा अमाउंट नहीं हुआ, बिल्कुल मान लीजिए 15 लोगों को फ्री में आईपैड है, तीन आईपैड तो 15 × 3 = 18, 5 गरीब को सिर्फ कपड़ा दे तो शायद जो है बिहार का हर व्यक्ति जो है वो ईद छठ दीपावली के समय में नया कपड़ा पहन के अपना पर्व मनाएगा। लेकिन नहीं कर रहे हैं, सही है कि नहीं है? ये कंप्यूटर का दुकान है और भी बहुत सारा कंप्यूटर का दुकान है, मदद करें ना लोगों को, हम लोग दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इनका बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि खाली इन्हीं का दिखाएंगे, इनसे बढ़िया मदद करें हम लोग दिखाएंगे। सर्विस सेंटर से कॉल करके ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट सिस्टम या रिमोट के थ्रू एनी डेस्क या टीम वर्क के थ्रू तो ले भी सकते हैं फ्री में, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आज 50 मिलियन 50 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है आपका। मिलियन में पहुंचा दीजिए 50 मिलियन जरूर होगा। जुबान पे कभी कभी वो शब्द आ जाता है जो भविष्य में जो है वो सही हो जाता है, सही होगा, होगा जरूर होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपका भाई आप लोगों को लैपी वाला में लेकर क्या चुका है, बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ होने वाला है। यहाँ पर लैपी वाला का एक बहुत बड़े पैमाने पे मतलब बहुत बड़े लेवल पे सर्विस सेंटर ओपन हो चुका है, ये देखिए। और आज इसका जो है ओपनिंग होने वाला है, देखिए पूरा वीडियो क्या कुछ होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी होने वाला है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, समझ में आ गया होगा क्या कुछ होने वाला है। चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं और अगर पहली बार आप लोग चैनल पे आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आज आप लोगों को वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और साथ साथ आप लोगों को दिवाली दुर्गा पूजा छठ के ऑफर पे ज़बरदस्त गिफ्ट भी मिलेगा। क्या गिफ्ट होने वाला है सब कुछ अभी अंदर पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए हर जगह 7 दिन 8 दिन का टेस्टिंग होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का। यहाँ पे आप लोगों को 45 दिन का टेस्टिंग वारंटी मिल रहा है। क्या कुछ होगा सब कुछ अभी पता चलने वाला। तो भाई लोग अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या होने वाला। अभी ओपनिंग हुआ नहीं है, सब कुछ आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए सर्विस सेंटर जो है सुनने में आया, ये देखिए हमारे साथ अभी यहाँ के ओनर है जो कि बहुत बड़े लेवल पे सर्विस सेंटर को ओपन किए हैं। क्या मकसद क्या था आपका ये बताइए, बहुत जबरदस्त लग रहा है ये देखिए। और सबसे बड़ा बात आज ओपनिंग कौन करने वाला है, मनीष सर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंस्पायर्ड बाय मनीष सर और दुर्गा पूजा दिवाली एवं छठ पूजा के अवसर पर फ्री लैपटॉप पार्टिसिपेशन। कितना लैपटॉप मिल रहा है ये देखिए, यहाँ पे इतना सारा लैपटॉप है, टोटल कितना लैपटॉप दे रहे हैं इस बार? 15 लैपटॉप है और आईपैड 3 आईपैड। और आज क्या होने वाला है धमाल, थोड़ा सा ये बताइए। बहुत धमाल है, वीडियो के आगे बताएंगे। तो भाई लोग लैपी वाला में आज जो है ओपनिंग होने वाला है और अभी हमारे साथ मनीष सर आए हुए हैं और यहाँ पर तो भाई लोग आज हम लोग लैपी वाले में हैं और आज इनकी सर्विस सेंटर की ओपनिंग होने वाली है और ग्रैंड ओपनिंग करेंगे हमारे साथ मनीष सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पर। सर्विस सेंटर का ओपनिंग होने वाला है, लैपी वाले का नहीं, लैपी वाले का ओपनिंग हो चुका है और लैपी वाले बहुत दिन से है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। और सर एक चीज बताइए कि यहाँ पर जैसे कि आप बहुत लोगों का मदद करते हैं, ये स्टूडेंट वगैरह का बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा था और आज फाइनली मिलने का मौका मिला, इसलिए सबसे पहले हाथ मिलाना चाहूँगा मैं। और लैपी वाले इस बार
स्टूडेंट लोगों को 15 लैपटॉप गिफ्ट में देना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, लैपी वाले के पास जो लैपटॉप आता है वो शायद से सब सेकंड हैंड रहता है, कॉर्पोरेट यूज्ड लैपटॉप रहता है, जो कंपनियां जो यूज करती है और 6 महीना साल भर के बाद जो है वो कंपनियां निकाल देती है। 18 से 3 इयर्स का, मतलब कि 18 महीना से लेके 3 साल, मतलब 36 महीना तक का इस्तेमाल करती है और वो निकाल देती है। कुछ कंपनियाँ 1 साल में ही निकाल देती है, तो वो सारा लैपटॉप रहता है। तो वो सारा लैपटॉप ये देते हैं, लेकिन वारंटी के साथ। कितना महीना वारंटी रहता है? पहले था 7 डेज की टेस्टिंग वारंटी, हाँ, और 6 मंथ की सर्विस चार्ज फ्री था। अब क्या है, आप जो है सो 7 डेज की जो टेस्टिंग वारंटी उसको भी एक्सटेंड करके 45 डेज तक का ले सकते हैं, और इसमें पार्ट्स रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट सब फ्री मिलेगा। 1 रुपया भी आपको लगाने की जरूरत नहीं, सीधे आपको रिप्लेस करके मिल जाएगा। और ये 15 लैपटॉप वाला क्या सीन है? ये 15 लैपटॉप हमारे यहीं से नहीं दिया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे सप्लायर है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अपना अपना जिनका लैपटॉप का बिजनेस है वो 2 लैपटॉप दिए, 4 लैपटॉप दिए, इस तरीके से एक जगह इकट्ठा हुआ जिसमें 15 पीस की लैपटॉप है, अलग अलग मॉडल। और मैंने भी इनसे कहा था, इनसे कसम खिलवा के पूछिए कि हम इस ओपनिंग के लिए पैसा नहीं लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा बात है, पहले सुन लीजिए, हम इस ओपनिंग के लिए पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपको जो है सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट बोला, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को भी चलने के लिए पैसा चाहिए, हम लोग भी कहीं कहीं कुछ चीजों के लिए पैसा लेते हैं, ये बात सत्य है जी, ये बात सत्य है, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ जी। लेकिन मैंने इस काम के लिए इनको बोला था कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, लेकिन आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा। तो ये सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इनके बारे में बताने की जिम्मेवारी हमारी है कि नहीं है? सही बात है, क्योंकि हम लोगों को अगर लोग सुनते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो अगर ये 15 लैपटॉप, मतलब कि छोटा अमाउंट नहीं हुआ, बिल्कुल, मान लीजिए 15 लोगों को फ्री में आईपैड है, 3 आईपैड, तो 15 3 18 18, मतलब कि 15 लैपटॉप और 3 आईपैड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसके अलावा उनका भी वारंटी 6 मंथ रहेगा जी, उनका भी ऐसा नहीं है कि फ्री में दे रहा है। तो वो जो समाजवादी पार्टी बांटा था यूपी में, योगी जी बांट रहे हैं यूपी में, सही है कि नहीं है? बिल्कुल, दोनों सरकारें सेम के टर्म्स के। अच्छा मनीष सर, एक मेरा क्वेश्चन है, मतलब ये जो लैपटॉप सर 15 लैपटॉप सर लोगों को गिफ्ट के तौर पे बांटेंगे दिवाली और आपके मतलब जो पर्व चल, जो फेस्टिवल सारा से दीपावली, बिल्कुल, तो ये लैपटॉप मतलब किन लोगों को देना बेस्ट रहेगा, मतलब किन लोगों के हाथ में जाना सही रहेगा? इसमें क्या है, इसमें बजाबते क्योंकि सिलेक्शन जो सो अगर ऐसे मैनुअल करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। बिल्कुल राइट सर, पिछला बार 15 अगस्त में भी 3 लोगों को वो हमारे इंड से दिया गया था, बिल्कुल, अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोग भी पार्टिसिपेट हुए थे, और लैपी वाले ने 3 लैपटॉप 3 स्टूडेंट को फ्री में दिया था, उसका भी ऑनलाइन कलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार फॉर्म की क्राइटेरिया जो है सो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फेक भी वहाँ पे एंट्री हो सकता है। सही बात है, तो स्टूडेंट ही इसमें पार्टिसिपेट होंगे, क्योंकि उसमें आईडी कार्ड जो है प्रॉपर आइडेंटिफाई स्कैन होता है, आईडी कार्ड, फिर आधार कार्ड, हाँ, का डिटेल्स डालना है सारा, और उसमें 3 क्राइटेरिया कैटेगरी रखा गया है, अंडर मैट्रिकुलेशन और 10+2 और ग्रेजुएशन जो कंप्लीट है या परसुइंग में है, ठीक है, उन सारे लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है और किन्हीं को भी मिल सकता है, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है और कोई दो राय नहीं है। और दिवाली के नेक्स्ट डे आपको 4 बजे लाइव टेलीकास्ट होगा और लाइव ही कॉल जाएगा उनके। दिवाली के दिन भाई लोग याद रखना, दिवाली के अगले दिन। वैसे उनका सारा डिटेल जैसे इससे फॉर्म फिलअप करेंगे कूपन कोड के साथ उनको मेल चला जाएगा और डिटेल सारा लिखा हुआ रहेगा। दिवाली आपको दिवाली के नेक्स्ट डे इतने तारीख को और 4 बजे से जो है सो लाइव हो जाएगा, अपने चैनल पे भी हो जाएगा और भी बहुत सारे पे हो जाएगा। बिल्कुल सर, मनी सर एक क्वेश्चन और, मतलब जो लैपटॉप लोगों को मिलेगा 15 लैपटॉप 15 लोगों को मिलेगा, वो लैपटॉप लोगों को थोड़ा पहले बता दे कि मतलब किस पर्पज के लिए स्पेशल यूज़ करें जो स्टूडेंट को मिलेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार भी जो है घर देता है कि हाँ उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, बिल्कुल, लेकिन 99.9% लोग अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसका भी इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। राइट, बिल्कुल, शौचालय भी सरकार दे रहा है जी सर सही इस्तेमाल करने के लिए, कुछ लोग उसमें भी करप्शन कर दे रहे हैं। ये लैपटॉप दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए, अभी सारा जो है कोर्स जो है ऑनलाइन आ चुका है, सब ऑनलाइन,
तो पढ़ाई करें, इनको भी बिजनेस करना है। पूरा लैपटॉप वो फ्री में नहीं दे सकते, सही है कि नहीं है? पूरा लैपटॉप फ्री में दे देंगे कल रोड पे आ जाएंगे, तो इनको भी बिजनेस करना है। लेकिन उसके अलावा, बिजनेस के अलावा जो है, सबको सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपको 7th जनरेशन तक का लैपटॉप फ्री में, 7th जनरेशन i5 में भी लैपटॉप है और जनरल पर्पज़ के लिए लैपटॉप है, ठीक है। वो किनको मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता है और हम भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लाइव आप खुद भी रहेंगे, लाइव जो है सो देखेंगे, और जिनका भी निकलेगा लाइव ही कॉल एट ए टाइम चला जाएगा। सर मनी सर, एक आपका मतलब मुझसे और आपसे पर्सनल क्वेश्चन, मतलब आप जो इतना, मैं वीडियो आपके देखता हूँ सारी, ठीक है, सारी वीडियो ऑलमोस्ट देखता हूँ, शॉर्ट वीडियो आपने अपलोड करते हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है क्योंकि आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अब क्या पता कि कल हो या बड़े हो, कल मतलब लैपी वाला के बारे में भी कुछ लोग जो है निगेटिव दिखाना शुरू कर दे कि लैपी वाला कमाया 5 करोड़ और दिया सिर्फ 15 लैपटॉप। बिल्कुल, अरे भाई 15 लैपटॉप तो दिया ना कम से कम, सही है कि नहीं है? सही है। बिहार का जितना भी इस प्रकार का दुकान है, शोरूम है, शॉपिंग मॉल है, जितना भी छठ के समय में, दीपावली के समय में, ईद के समय में अगर गरीबों को कपड़ा देना शुरू कर दे, एक दुकान से ऊपर सिर्फ 5 गरीबों को कपड़ा दे, कमा तो सब रहा है। बिल्कुल, 5 गरीब को सिर्फ कपड़ा दे तो शायद जो है बिहार का हर व्यक्ति जो है वो ईद छठ दीपावली के समय में नया कपड़ा पहन के अपना पर्व मनाएगा, लेकिन नहीं कर रहा है, सही है कि नहीं है? ये कंप्यूटर का दुकान है और भी बहुत सारा कंप्यूटर का दुकान है, मदद करें ना लोगों को, हम लोग दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इनका बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि खाली इन्हीं का दिखाएंगे, इनसे बढ़िया मदद करें हम लोग दिखाएंगे, ये चीज है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मनीष सर का जो सच बोलने का, सर मतलब आपको तो डर कहीं नहीं लगता कि हम कहीं भी बोल देते, कहीं भी आप देखते हैं? क्या दिक्कत है, क्यों डर लगेगा भाई, कोई किसी के भी खिलाफ, मतलब जो सच वो बोल देते, मतलब उसमें अच्छा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि बहुत सारे लोग, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने लकी ड्रॉ दिया है, मगर उसमें इतना कमेंट रहता है भाई कि लैपी वाले अपने ही बंदे को दे देते हैं लैपटॉप, ऐसा कुछ तो सीन नहीं रहता है ना? ये मैं बता देना चाहता हूँ, जो रियलिटी शो होता है ना, बड़ा बड़ा रियलिटी शो, जब कोई हार जाता है ना, हार जाता है तो आप देखिएगा ब्लेम लगाता है, जी ब्लेम लगाता है कि पहले से ही फिक्स था, ये था वो था, हर जगह ये झेलना पड़ेगा आपको। सही बात है, ये समझ के चलिए झेलना पड़ेगा, ये चीज है। लेकिन अगर ये सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करने के बाद उनका पूरा डिटेल्स जो है एकदम पूरा बढ़िया तरीके से डाल रहे हैं कि ये दानापुर से हुए हैं, दरभंगा से हुए हैं, ये मुजफ्फरपुर से हुए हैं, ये चंपारण से हुए हैं, अगर ऐसे डाल रहे हैं तो कोई आरोप नहीं लगाएगा। सही, लेकिन सारा लोग अगर पटना के एक ही जगह से हो जाए या किसी भी जिला के एक ही पर्टिकुलर जगह से हो जाए तब लोग आरोप लगाएगा। जैसे 15 अगस्त में 3 लोगों को मिला था, तो एक पटना के थे, कॉल किया गया था, एक नवादा के, तो उनको तो एक्सपेक्टेशन ही था, एप्पल का लैपटॉप फर्स्ट प्राइज उनको मिला था नवादा के, क्या नाम तो नाम भूल रहे हैं, तो उनको 3-4 बार कॉल किया था, नहीं पता, फिर वापस उनका कॉल बैक आया, वो अचानक से सरप्राइज हुआ जब यहाँ पे आए थे ना, ऐसे बंदे थे, रियली अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, एक और मतलब अंदर से एनर्जेटिक मिलता है कि रियल में ऐसे बंदे को भी मिलना चाहिए था, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। जबकि सबसे पहले हम लोग एक बार किए थे दीपावली टाइम में पिछले साल, ठीक है, तो एक पुनपुन के बंदे को मिला था, वो वीडियो सिर्फ देखते थे और उनका बच्चा जो है सो पार्टिसिपेट, वो एक मैंने पूरे फैमिली से ही आते थे, लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे और उनको मिल गया, वो आके अचानक से लेके गए यहाँ से, ठीक है। और इस बार भी देखते हैं किन लोगों को मिलता है, ठीक है, हम तो हाँ वीडियो के माध्यम से भी बोलेंगे कि ऐसे लोग ही वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें जिनको जरूरत है, सर मतलब जरूरत तो सबको है, कैटेगरी फिक्स करना पड़ेगा कि कितना कैटेगरी, तो उसमें डाला हुआ है, लेकिन उसमें से भी वैसे ही लोग वहाँ पे, उसमें एक मैसेज बॉक्स भी डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ही फिक्स करता है कि किनको मिल रहा है, रैंडमली मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो वहाँ पे सेटिंग होगा या कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आज ये बताइए मनीष सर का आने का रीजन क्या था? सर जो है सो ये जो 15 लैपटॉप फ्री पार्टिसिपेशन है, इसकी एक्टिवेशन जो अनाउंसमेंट है वो सर के हाथों किया जाना था। अच्छा, मतलब वहाँ पे एक्टिवेट होगा सर? हाँ, सर्विस सेंटर का प्लान जो है सो उस टाइम नहीं था, लेकिन अचानक से जो है सो इसको फर्दर जो है सो लिया गया स्टेप में,
कि इसको भी हाथों हाथ जो सर के हाथों ही करा दिया जाए, क्योंकि आज शुभ मने डेज भी है और हम लोग चाहते भी है कि इस माध्यम से जो है सो लोगों को और अप्रिसिएशन। आप सर्विस सेंटर जो खोल रहे हैं इसमें कोई भी बंदा आ सकता है ना? कहीं से भी, नहीं नहीं कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, उनका सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और सर्विस चार्ज ₹500 आपको कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप लेके आएंगे ना, अगर आपको कहीं से भी दिक्कत लग रहा है लेके आएंगे, फ्री सपोर्ट मिलेगा, फोन से भी फ्री सपोर्ट, उसका अलग ₹1 भी नहीं लगेगा। सपोर्ट के लिए आपको ₹1 नहीं, और आपको सजेशन लेना है लाइए लैपटॉप यहाँ पे दिखाइए, उसका भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। आपको बनवाना है बनवाइए, नहीं बनवाना है वो आपका। और ये नीचे में जो 45 डेज वही है जो 7 डेज जो टेस्टिंग वारंटी था ना, अब उसको भी एक्सटेंड करके लोग 45 डेज तक ले सकते हैं। क्या बात है, शुभ काम जल्दी से किया जाए। आज 8वीं है ना सर? बिल्कुल जी। ताली बजा दीजिए सब लोग। और एक और बात कह देना चाहता हूँ जी सर, ये मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ, ठीक है, ये हिंदुओं के लिए 99 बार अच्छा काम करेंगे, एक बार कहीं गलती से खिलाफ में निकल गया तो ये हिंदू विरोधी हो जाएंगे। मैं मुसलमानों के लिए 99 बार अच्छा काम करूँगा, एक बार गलती से खिलाफ निकल गया तो मैं मुस्लिम विरोधी हो जाऊंगा। यह सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल यही सच्चाई है। तो इन सब चीजों से हमें ऊपर उठ के जो है सोचना होगा, जो सही है उसका साथ देना होगा, जो गलत है वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो उसके खिलाफ होना होगा। सही है कि नहीं? तब जाके हमारा सोसाइटी जो है, तब जाके हमारा समाज जो है, तब जाके हमारा राज्य जो है, तब जाके हमारा देश जो है वो सशक्त भारत बनेगा, मजबूत भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, और तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। सही है कि नहीं? सही बात है। सालों से मैं लैपी वाला का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, हर बार जो है कुछ ना कुछ स्टूडेंट का, मतलब मेरे को पहली बार पता चला ये चीज़। नहीं, इनसे जब मैं पहली बार मिला था जी, तो मुझे लग गया था कि ये जो है जेन्युइन आदमी है और कुछ अच्छा करेंगे, ये चीज है। अब भविष्य में किसी आदमी से भी अनहोनी हो जाता है, किसी आदमी से भी गड़बड़ी हो जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छा काम करेंगे और ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। और अगली बार जो है सिर्फ 15 लैपटॉप नहीं, मैं मतलब कि उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 115 लैपटॉप अगली बार बांटेंगे, उम्मीद करूंगा, समझे ना? ये चीज है। ठीक है, कहाँ से? अब जो है सो लाइव जो इंतजार था जस्ट अब सेकेंड में खत्म हो जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ इंडिया से ही यूजर यहाँ पे कर सकते हैं, टर्म्स कंडीशन में वहाँ डाला हुआ है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ वो स्टूडेंट हो और वो मैट्रिकुलेशन अंदर हो और या 10+2 में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट है या परसुइंग है, कहीं से भी कर सकते हैं। आज से स्टार्ट हो रहा है? आज से स्टार्ट हो जाएगा, यानी अभी से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ सेकंड के बाद से ये लाइव हो जाएगा, फॉर्म जो है सो वहाँ दिखने लगेगा, सब चीज सामने। टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा बताएंगे क्या होने वाला है? इसमें बहुत ज्यादा टर्म्स कंडीशन नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट होना चाहिए और ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ इंडिया का वो सिटीजन है, कहीं से भी वो पार्टिसिपेट, या तो वो 10वां क्लास में पढ़ रहा हो जी, या 10वां क्लास से पास आउट हो, वैसे ही स्टूडेंट, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लास के स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, 10th क्लास में हो या 10th क्लास से ऊपर हो जी, उसको अपना मतलब आईडी दिखाना पड़ेगा। अगर वो आईडी प्रूफ जो है, अगर उनका
निकल भी जाता है, विनर हो भी जाते हैं अगर आईडी प्रूफ गलत फाउंड होता है वहाँ पे या क्राइटेरिया से मैच नहीं होता है, तो वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट होने चाहिए। हाँ। और आपके पास से लैपटॉप लेना कोई जरूरी तो नहीं, नहीं है? कोई जरूरी नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं, वो हमारे कस्टमर है जी, हमारे कस्टमर है, सब्सक्राइबर है। जब इनके पास लैपटॉप ले लिया रहेगा तो उसमें अप्लाई क्यों करेंगे? क्लियर कर दे रहे हैं, वो हमारे कस्टमर है, सब्सक्राइबर है या नहीं है, कहीं से भी है, इंडिया में किसी भी स्टेट से है, वो पार्टिसिपेट हो सकते हैं और एक रुपया भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे आप 10-10 20-20 रुपया दीजिए, 30-30 50-50 100-100 रुपया दीजिए और उससे हम कमा लेंगे और उसके बाद से 15 लैपटॉप दे देंगे, ऐसा रुपया भी नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो या 10th क्लास आप पास आउट हो और वहां से ऊपर तक ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री हो, पीएचडी तक भी है, ग्रेजुएशन तक ही है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक, तो ग्रेजुएशन तक सिर्फ है, यानी 10th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आना पड़ेगा। हाँ, डालना भी होगा। हाँ, तभी फॉर्म सबमिट होगा। हाँ, और सबसे बड़ा बात है वही लोग अप्लाई करें जिनको नीड है। हाँ, जिनको नीड है हमारे इनसे बोला जाता है, ठीक है, बाकी तो लोगों को जो है सो ये 15 और 3 अब करोड़पति लोग जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो सरकारें जब नहीं रोक पा रहा है तो यहाँ पे भी अगर कोई लोग ऐसा मिस्टेक, ये सिर्फ हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके उनका ईमान जानता होगा जी कि भाई अगर आप इन सब चीजों को छोड़ेंगे तब तो लैपटॉप जो है सो यही लैपटॉप रखा हुआ है वहाँ पे गिफ्ट के तौर पे, सारे वो गिफ्ट डब्बा है नीचे और लैपटॉप सारा वहीं पे रखा हुआ है। टोटल 15 लैपटॉप यहाँ पर है, ये सारा लैपटॉप है ना, सारे ये डेल का है, ये सारा, ये एचपी का है सारा, और ये डेल का है। हाँ, और ये एचपी, और इसमें आईपैड वाला जो है, जो आईपैड सप्लायर दिए हैं उनका आईपैड अभी आया नहीं है, मे भी आजकल में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं रखा हुआ। तो ये सारा मतलब कि 15 लैपटॉप आ चुका है हमारे पास, वो सामने रखा हुआ है और यही मिलेगा, यही मिलेगा। इसमें वारंटी सिस्टम जो है, जो हमारा पॉलिसी है उसके हिसाब से उनको भी मिलेगा, वारंटी भी मिलेगा उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है तू परचेस करेंगे तभी वारंटी मिलता है। वारंटी कितने महीने का है? 7 डेज का टेस्टिंग वारंटी उनको भी मिलेगा। हाँ, और 6 महीने की सर्विस चार्ज उनको भी मिलेगा, और सर्विस वारंटी जो एकदम टोटली रहेगा, टोटली इवन आप वो हमारे सर्विस सेंटर से कॉल करके ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट सिस्टम या रिमोट के थ्रू एनी डेस्क या टीम वर्क के थ्रू जो है ले भी सकते फ्री में, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं हम फ्री में लिए तो हम नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं। अभी पिछली बार जो है हम लोग सोनू को दिए थे लैपटॉप, गोरिल्ला ग्लास वाला 10 घंटा वाली, अभी भी वो मॉडल आया हुआ है, ठीक है, प्राइस पहले से जरूर 1000 डिस्काउंट हो गया अभी फेस्टिवल सीजन को लेके, ठीक है, पहले था 11,500, अब मिलेगा आपको मात्र 10,000 रुपये में, 10,000 में गोरिल्ला ग्लास 10 घंटा बैटरी बैकअप के था। वो लैपटॉप सोनू को दिए थे हम लोग, सोनू का भी 2-3 दिन पहले कॉल भी आया था कि उसका चार्जर जो है सो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप या तो बाइक कुरियर भी हम भिजवा सकते हैं, या अगर आप आए हुए हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई बंदर राजस्थान कोलकाता से आपसे लैपटॉप जीत लिया, ठीक है, मतलब वो विन करके एक लैपटॉप उसको मिल गया, तो ऐसा तो नहीं ना कि आप बोलेंगे कि अब मेरे को डिलीवरी चार्ज दीजिए? नहीं, पिछला बार जो है हम लोग सीपीयू भेजे थे ना राजस्थान, 3rd प्राइज में सीपीयू राजस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे थे, उनको मिल भी गया, उनका फीडबैक भी आया हुआ, ठीक है, तो सब चीज हमारे पास डेटा प्रॉपर रहता है, बहुत डेटा रहता है लोगों का, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का, ठीक है, कमो बेस किन्हीं को अगर टेक्निकल सपोर्ट में दिक्कत हो, आप तो बड़ा सा सर्विस सेंटर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला, क्यों मिलने वाला जी, मतलब आज ही सर्विस सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है, बिल्कुल, और फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीना तक सर्विस मिलने वाला है, चूंकि ये सारा बाहर के लोग अगर यहाँ पे आते हैं लैपटॉप चेक कराने, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, स्टार्टिंग 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आप यहाँ पे सजेशन ले सकते हैं। अपना गंजी फटा हुआ रहता है, अपना अंडरवियर फटा हुआ रहता है, गमछा पहन के जो है और गर्मी भर जो पूरा गर्मी बिता देते हैं, तो वैसे बच्चों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, और जिस दिन आप लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर देंगे उस दिन आप सफल हो जाएंगे। बहुत अच्छी सलाह आपने कहा, इस बात के लिए तालियां, बिल्कुल।
चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लैपी वाले के साथ, जो है सो लाइव जो है सो हो रहा है सेकंड में। अच्छा लाइव होने वाला है, ठीक है। ये भी टच स्क्रीन, 2 मिनट ये भी टच स्क्रीन है। यहाँ पे आपने लिखा है लाइव अनाउंसमेंट बाय मनीष सर, जय हिंद। जय हिंद, चूंकि मैं हर वीडियो के आखिरी में जय हिंद बोलता हूँ सर, तो उसी से हम आज से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और छोटी छोटी चीजें को जो है सो जरूर हम अपने अंदर ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि कुछ जो है सो नया एक्टिविटी हम लाए मार्केट में। चलिए ठीक है, तो इस पर टच करना है, शुभ काम कर दिया। चलिए आप भी टच कीजिए, आ जाइए प्रोसेस में आ गया। हाँ प्रोसेस में आप आ गए, मतलब हाईटेक सिस्टम आप अप्लाई किए हैं, मतलब कि अब पटना जो है धीरे धीरे बेंगलुरु के रास्ते पे निकल पड़ा है। इतने अभी जितने भी यहाँ पे अभी जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, इस फेस्टिवल में लैपटॉप 5,000 रुपया से मिलने जा रहा है। क्या बात, पहले 6,000 रुपया था, 6,500 रुपया था, इस बार आप 5,000 रुपया से मिलने जा रहे हैं, पूरा दिवाली तक मिलेगा। और अपने पास पटना में लगभग लगभग लॉज में मान के चलिए लैपी वाला का लैपटॉप है, लगभग लॉज सब जानता है, ठीक है, ठीक है, ये लीजिए। ओहो शुक्रिया, बढ़िया सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है। दिमाग है। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या आप? जी पहले बीएससी आईटी हम किए हुए। हाँ उसके बाद? उसके बाद यहीं पे पहले जॉब थे सिस्टम इंजीनियर। तो बढ़िया बढ़िया बीटेक वाले का कान काट रहे हैं आप। बढ़िया बढ़िया बीटेक इंजीनियर एमटेक इंजीनियर जो है उस पे आप भारी पड़ रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन कि अभी जितना भी हम लोगों ने अभी तक जितना भी बताया पार्टिसिपेशन, मगर उसके अलावा आपसे क्या बेनिफिट मिल रहा है? पार्टिसिपेशन तो हो गया, मतलब आप अपने तरफ से क्या दे रहे हैं फैसिलिटी वगैरह अगर कोई लैपी वाला के पास आ रहा है तो? देखिए मार्केट में भी बहुत सारे स्टोर है जी, 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किए थे हम जिस टाइम स्टार्ट किए थे, और पटना से ही हम जाते थे बाइक से और लैपटॉप खरीदते थे, फिर बेचते थे, फिर जाते थे, फिर बेचते थे, लाते थे और फिर बेचते थे। आज भी वो स्टोर है और नंबर वन लैपी वाला बिहार में, नंबर वन ऑल ओवर इंडिया हमारा डिलीवरी सिस्टम है। पार्टिसिपेशन किए थे, अमृत महोत्सव मनाया गया उसमें भी 3 लोग को जो है सो सिलेक्शन किया गया था, तब जो है सो 25,000 लोग फॉर्म अप्लाई हुआ था। अच्छा सुना भी 20,000 से स्टार्ट किए और आज इस लेवल पे हैं जो कि टॉप सेलर में गिनती आती है, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहिए, टॉप सेलर में रहिएगा, जिस दिन गलत सलत किए फिर बॉटम पे चले जाइएगा। बिल्कुल अच्छा से काम करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, जैसे काम में जो है गड़बड़ी आया, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब दिखाना शुरू कर देगा सबके, सही बात है, अच्छा था अब गड़बड़ हो गया, तो ये चीज है। सर जाते जाते लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे आप? जाते जाते लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने वीडियो से जितना कमाते होंगे उसका 10% डोनेट कीजिए, उससे ज्यादा करेंगे, उससे ज्यादा कीजिएगा भगवान और आपका तरक्की करेंगे, और ऐसे ही करते रहिए, अच्छा करते रहिए, और जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी आखिरी में थैंक यू। और भाई लोग कब तक है ये लास्ट? दिवाली तक आप लोग जल्दी कीजिए, जो भी नीडी बंदा है वो लोग ले सकता है। तो फिर मिलेंगे और जबरदस्त वीडियो के साथ, अगर पहली बार चैनल पे आए तो सबसे पहले मनीष भैया ने बोल दिया कि सब्सक्राइब कर देने के लिए, थैंक यू। और बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, सब्सक्राइब किया हुआ करीब 1 साल से आपका चैनल, आज 50 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है आपका, मिलियन में पहुंचा दीजिए 50 मिलियन। अच्छा होगा, जुबान पे कभी कभी वो शब्द आ जाता है जो भविष्य में जो है वो सही हो जाता है, होगा जरूर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।